तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में जो पूरी रहस्य से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त वीडियो। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपना एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहां आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे कहानी बताई जाती है कि एक बार मंदिर के पुराने महंत, जिनको लोग घंटे वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने तीन देवता को देखा था, जो कि बालाजी की मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। वो जगह जंगली जानवर और जंगली पेड़ों से भरा पड़ा था। अचानक भगवान प्रकट हुए और उन्होंने महंत को आदेश दिया कि वो सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। फिर वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। फिर बाद में तीन देवता वहां स्थापित हो गए। मंदिर की बनावट परंपरागत राजपूत वास्तुकला से प्रभावित है। मंदिरों में चार प्रांगण या चार चैंबर्स है। पहले दो में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति है और तीसरे और चौथे में दुष्ट आत्माओं के सरदार प्रेतराज का प्रांगण है, और जो लोग दुष्ट आत्मा से परेशान है वो वहाँ पूजा करते हैं। लोगों को ये मंदिर अपनी कलाकृति की वजह से भी आकर्षित करता है। इसके आसपास का मनोरम दृश्य और अद्भुत वास्तुकला मंदिर इस मंदिर की पहचान बन गई है। हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए रोज आते हैं। यहाँ के वातावरण बाहर से थोड़ा अलग है। आपको थोड़ा नेगेटिव वाला फीलिंग आएगा, जैसे लगेगा कि आपके आसपास कोई है। मंदिर के बाहर आपको गर्मी लगेगी, पर मंदिर के अंदर पूरा ठंडक महसूस होगा। जो लोग पोजिस्ट है और जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उन्हें यहाँ लाया जाता है। उनके ऊपर से भूत प्रेत का साया भगाने के लिए उनके ऊपर गर्म पानी और पवित्र जल का सिंचन करते हैं, और लोगों को चेन से भी बंधा हुआ देखने को मिलेगा। लोगों का मानना है कि जिन लोग पर भूत प्रेत का साया है वो यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी और कुछ लोग अपने सर को दीवार पटकने को भी देखा गया है। इस पवित्र स्थल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। अगर आप किसी भी मंदिरों में जाएंगे तो आपको घंटी की आवाज और मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनाई देगी, और यहाँ पोजिस्ट लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देगी। इस मंदिर का मान्यता है कि यहाँ आने से भूत दूर भागते हैं और हनुमान जी भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। वहीं शरीर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए लोग मंदिर के बाहर रेलिंग पर खुद को बांध लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के पंडितों को बालाजी की मूर्ति से निकलने वाले पवित्र जल का उपयोग करके भूत भगाए और मंत्रों का जाप करते हुए देख सकते हैं। इन सभी चीजों की वजह से इस मंदिर में कई कड़े नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एक हफ्ते के लिए वेजिटेरियन भोजन खाना होगा। मेहंदीपुर बालाजी की बाएं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं कि ये बालाजी जी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती है वो यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। यहाँ पर मिलने वाले हर प्रसाद को आप मना कर सकते हो, पर काला लड्डू को आप मना नहीं कर सकते। दुकानदार आपको काला लड्डू देगा और आप उनसे ये काला लड्डू लेकर अपने चारों तरफ घुमाकर आग में डाल देना है। इससे मानना है कि आपके ऊपर जो काला साया होगा वो कट जाएगा। मंदिर के पास भूलकर इन कामों को नहीं करना चाहिए।
ये काम वहाँ पर सख्त रूप से वर्जित है। पहला, कभी भी जब आप मंदिर से बाहर निकले तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दूसरा, मंदिर के आसपास किसी से बात नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को छूने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो ना ही वहाँ के प्रसाद और ना ही वहाँ का कोई भी खाने वाला सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ये वहाँ पर वर्जित है। और चौथा, अगर आप गांव से निकल रहे हैं तो सारे खाने के पैकेट, पानी की बोतल इत्यादि को वहीं पर छोड़कर बाहर जाए। अगर आप ये मंदिर छोड़कर घर जा रहे हो तो पीछे बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। इसका मानना है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप पोजेस्ट हो सकते हैं, कहीं आत्मा आपके परिजनों के आवाज निकलकर आपको पीछे से बुलाएगी। पर आपको बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना है और सीधे चलते रहना है जब तक आप इस जिले से बाहर नहीं निकल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इसे फैक्ट्स और वीडियो के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।